क्वेश्चन है ग्रेजुएशन विच की चुनना है, ये पहले देख लीए कि मेजर सब्जेक्ट केड़ा बनता है। मेरे को इंग्लिश लिटरेचर इलैक्टिव ये मेजर नहीं बनेगा, माइनर ही बनेगा। सो सारे कॉलेज विच हुंदा है, फिर भी ये देख लेना कि उस कॉलेज विच इंग्लिश अवेलेबल है। 99% हुंदा है, पर देखना तो ही जरूर है। हुण तुहाडे को मेजर सब्जेक्ट लई है पोलीटिकल साइंस ते फिजिकल एजुकेशन। इन्होंने कमेंट पूछा है, मैनू जे तुसी यूनिवर्सिटी दसो, मान लो तुसी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जां पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे हो, तो उत्थे तुसी पोलीटिकल साइंस है, तो तुसी इन्हां यूनिवर्सिटी दे विच SST मेजर लै सकते हो, पर बाद विच पोलीटिकल साइंस दे नाल तुहानू हिस्टरी सबजैक्ट है जां कोई होर सोशल साइंस चाहते हो अडिशनल पेपर देना पएगा। सो ये बन सकता है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच पोलीटिकल साइंस SST नहीं बन सकती, तुहानू पोलीटिकल साइंस ही मेजर पढ़ना पवेगा। दूसरा मेजर तुसी भर सकते हो फिजिकल एजुकेशन, TGT बनता है, सीधा है। सो तुहाडे कॉम्बीनेशन बनते हैं एक तो पोलीटिकल साइंस, गुरु नानक सारिया यूनिवर्सिटियां च पोलीटिकल साइंस ते इंग्लिश, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ते पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच SST ते इंग्लिश, और तीसरा मेजर सब्जेक्ट बनता है कॉम्बीनेशन फिजिकल एजुकेशन ते इंग्लिश। इत्थे मैं दस्सिया है मेजर सब्जेक्ट बनते हैं तुहाडे पोलीटिकल साइंस, इन्हां विच SST इहदा बन सकता है, और इत्थे फिजिकल एजुकेशन ये माइनर है। सो ये तुसी देखना है कि तुसी टीचर किहदे बनना चाहुंदे, नॉलेज किहदी है, कॉम्पीटिशन किहदा लड़ सकते हो, सिलेक्शन टेस्ट किहदा बैटर लड़ सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटी SST दी ज़्यादा है, पोलीटिकल साइंस का वक्रे तौर पर वीडियो पाया है, देख सकते हो कि इनकियां पोस्टा की एलीजिबिलिटी PGT की है, और फिजिकल एजुकेशन दियां पोस्टा अलग तो वीडियो पा दांगा, वो देख सकते हो। थैंक यू। क्वेश्चन भी सोशल साइंस जो है, लेकिन क्वेश्चन अधूरा है, मैं इसका उत्तर नहीं सकता। तुसी ये क्या है मेजर ज्योग्राफी दे नाल माइनर केड़ा लेना होएगा। हुण मैनू ये नहीं पता कि तुसी BA दे विच ग्रेजुएशन दे विच केड़े बाकी दो इलैक्टिव सब्जेक्ट पढ़े हैं, जे तो वो इलैक्टिव सब्जेक्ट मैं कुछ भी गाइड नहीं इस तरह कर सकता। नॉर्मली तुसी कहने माइनर केड़ा बनेगा, उहदे विचों माइनर इंग्लिश पंजाबी, क्योंकि जनरल इंग्लिश ते जनरल पंजाबी तुसी पढ़ी है, ये तो बनेगा ही बनेगा। जे तुसी बैटर सब्जेक्ट ज्योग्राफी दे नाल कोई होर पढ़िया है, जे इलैक्टिव इंग्लिश पढ़िया है, तो फिर 100% इलैक्टिव वाला ही प्रैफर करना चाहिए है माइनर सब्जेक्ट। इलैक्टिव पंजाबी पढ़िया है तो इलैक्टिव पंजाबी ही करना चाहिए है। सो प्रैफर वो करो जो 3 साल तुसी पढ़िया है, क्योंकि तुसी इत्थे नहीं दस्या, तुसी मैनू दसोगे फिर मैं उसका उत्तर दे देंगा कि तुहानू केड़ा पढ़ना चाहिए है। नैक्सट क्वेश्चन है BA विच ऑनर्स इन इंग्लिश, ऑनर्स इन इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश भर सकते हैं। ओके, फिर तुहानू ये प्रॉब्लम रहनी है कि तुसी माइनर जो है वो केड़ा लेना है, कॉलेज अच्छी तरह देखना पैना है। हर कॉलेज नहीं है, मेरे कॉलेज अवेलेबल है ये दोनों सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, है ना। लेकिन इतने हुण मैनू ये नहीं पता कि हिस्ट्री तुसी सब्जेक्ट जिहड़ा है 3 साल पढ़िया है, जे 3 साल पढ़िया है तुसी हिस्ट्री नू PGT लई मान लो एलीजिबल हो जाओगे, फिर तुसी इसनू मेजर सब्जेक्ट लै सकते हो। दूसरा जे तुसी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ PU पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विच पढ़ रहे हो, तो तुसी हिस्ट्री 3 साल पढ़ी है, तो तुसी SST लै सकते हो, मेजर ये बन सकता है। माइनर पर तुहानू हर हालत च इंग्लिश नहीं छड्डना चाहिए, क्योंकि ऑनर है। दूसरा तुसी इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़िया होया है। सो जे तुसी ये 3 साल पढ़िया है, इसनू मेजर लैके इंग्लिश तुहानू आराम नाल मिल जाएगा। पर जे तुसी मेजर इंग्लिश लैंदे हो, चंगी तरह इस गल नू समझ लो, जे मेजर इंग्लिश लेंदे हो, मेजर तुसी ऑनर दे बेस ते लेंदे हो, बहुत ज़्यादा घट कॉलेज हैं जेड़े कि इंग्लिश वाले हैं, तुहानू दूर जाना पएगा। जेकर तुसी 3 साल ये पढ़िया है हिस्ट्री, तो तुसी मेजर हिस्ट्री नू लो, SST नू लो, जे पंजाबी ते पंजाब यूनिवर्सिटी है, फिर तुहानू इंग्लिश हर कॉलेज मिल जाएगा। इस नाल की होएगा, तुहानू कॉलेज नेड़े मिल जाएगा, जां प्रैफर्ड कॉलेज मिल जाएगा। एक क्वेश्चन शायद मैनू समझ नहीं आया, अगर ग्रेजुएशन विच हिस्ट्री है तो, है ना, ग्रेजुएशन तो BEd विच हिस्ट्री दे नाल पोलीटिकल अडिशनल रख के, तुसी BEd विच पोलीटिकल अडिशनल नहीं रख सकते जेकर BA विच नहीं पढ़ी। एक गल समझ लैनी चाहिए, पहला BA विच की पढ़िया है, जेकर कल्ली हिस्ट्री पढ़ी है तो तुसी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो, तुहानू हिस्ट्री ही मिलेगी, और PGT हिस्ट्री लिए सिर्फ एलीजिबल होवोगे। जे तुसी पंजाब ते पंजाबी यूनिवर्सिटी च हो, तां तुसी हिस्ट्री दे बेस ते SST लै लोगे, पर बाद विच तुहानू पोलीटिकल साइंस दा BA दा अडिशनल देना पएगा। रख के PGT TGT दोनों लिए एलीजिबल बन सकते हो, नहीं इस तरह नहीं होएगा। तुहानू पहला ग्रेजुएशन का करना पएगा, बाद विच तुसी BEd च लोगे। हाँ, BEd करदे करदे तुसी एडिशनल कोई कर सकते हो,
पर जब तक तुहानू जो सब्जेक्ट तुहाडा सी फॉर एग्जाम्पल इत्थे सिर्फ हिस्टरी की गल की आ हिस्टरी नाल ही तुहानू चलना पएगा तुसी बाकी दे सब्जेक्ट भी दसो यूनिवर्सिटी भी दसो बैटर गाइड मैं कर सकता हाँ। मैंने ग्रेजुएशन पोलिटिकल साइंस पब्लिक एड और इलेक्टिव हिंदी और पोलिटिकल साइंस में ऑनर की है, क्या मैं SST लैंग्वेज लेकर TGT के लिए एलिजिबल हूँ? देखो ये तुहानू पता लग गया पोलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तुहाडे स्कूल सब्जेक्ट ये वाला हैगा है, ये तुहाडा SST 100% बन गया है। दूसरा तुहानू तुसी इहदे विच ऑनर भी पढ़ी हुई है कदे पोलिटिकल साइंस है ना, तुसी जाना TGT जे चाहुंदे हो तां SST लैके नाल तुहानू लैंग्वेज कीड़ी दसी है इलैक्टिव हिंदी। राजे ये गल ध्यान रखना SST हिंदी ही लेना क्योंकि हिंदी नाल तुसी ये भी तीन साल पढ़िया है तीन दोनों लिए गवर्नमेंट जॉब लिए TGT लिए तुसी एलिजिबल हो गए हो। हाँ बाद विच क्योंकि तुसी पोलिटिकल साइंस की ऑनर हो नैचुरली MA पोलिटिकल साइंस करके बाद विच BEd का अडिशनल पोलिटिकल साइंस दे दौ BEd का है ना, फिर तुसी अगले सालों विच तुसी PGT पोलिटिकल साइंस लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। अच्छा एक क्वेश्चन है मैं ग्रेजुएशन विच फिलोसफी हूँ फिलोसफी के आधार पर क्योंकि ये 13 सोशल साइंसिज विचों एक है जो NCT ने दसिया हुई हैं, इन्हों के आधार पर जे पंजाबी PUP विच हन या PUC चंडीगढ़ विच हन तां इन्हां नूं SST मिल जाएगी, उत्थे ही ज़्यादा फायदा है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी च नहीं मिलेगा, इन्हां नूं कुछ नहीं मिलेगा, टीचिंग ऑफ फिलोसफी अवेलेबल ही नहीं है शायद। कंप्यूटर एप्लीकेशन तो इलैक्टिव हिंदी है, सो जे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है तो तुहानू कंप्यूटर एप्लीकेशन नू ही मेजर सब्जेक्ट लेना पएगा, जेकर दूसरिया यूनिवर्सिटी है तो तुसी मेजर SST नू भी लै सकते हो। सो ये उस दे मुताबक तुहानू डिसीजन लेना पएगा। इलैक्टिव इंग्लिश है 100% माइनर जो है 100% इंग्लिश ही लियो क्योंकि तुसी इंग्लिश की पोस्ट लिए एलिजिबल हो जाओगे, माइनर का मतलब इतने नहीं लेना, इतना मेजर ही बन जाना है बाद विच। सो तुहाडी बैटर बन रही है सीधी एलिजिबिलिटी कंप्यूटर साइंस ते इंग्लिश नाल, पर जे तुसी ज़्यादा पोस्टां चाहते हो क्योंकि कंप्यूटर साइंस दी पोस्टां नहीं निकलदियां, दूजे फैक्टर नूं भी याद रखना है, तुहाडा नॉलेज एरिया किन्ना ज़्यादा है मैनू नहीं पता, जे तुसी SST वल जाओगे स्कोप बहुत ज़्यादा बन जाएगा, उस लई तुहानूं हर हालत विच मिनिमम मैं हिस्ट्री ही सुजैसट करांगा तां जो नवोदया विद्यालय केंद्रीय विद्यालय लई तुसी एलिजिबल हो जाओ। तुसी फिर तुहानूं ये अडिशनल पेपर बाद विच जां BEd दे नाल नाल देना पएगा, फिर तुसी एलिजिबल हो जाओगे, फिर तुसी पंजाब या पंजाबी यूनिवर्सिटी च हो तां तुसी इस नूं लै सकदे हो फिलोसफी दे आधार ते मेजर सब्जेक्ट SST। नैक्सट सोशल साइंस जो क्वेश्चन है सर BA GNDU शाबाश इस इन्होंने यूनिवर्सिटी दसी है, इलैक्टिव पंजाबी है बिल्कुल माइनर लॉ, इन्हों माइनर पंजाबी लॉ और फिजिकल एजुकेशन या पोलीटिकल साइंस है क्योंकि गुरु नानक देव देखिया यूनिवर्सिटी तुसी मैनूं दस दिता शाबाश ये दस दिता तो हूँ मैं SST नहीं इन्हों मिल सकती, जे गुरु नानक जाएंगे जो दूर जाते हैं पटियाला यूनिवर्सिटी से चंडीगढ़ से SST मिल जाएगी। सो इन्हों पोलीटिकल साइंस ही मेजर इन्हों का बनता है, मेजर पहला पोलीटिकल साइंस बनता है जां फिजिकल एजुकेशन बनता है, इन दोनों चो तुसी चूज करना होगा कि कंपीट करना है, फिजिकल एजुकेशन पोस्टां घट होंदियां SST दियां ज़्यादा होंदियां, पोलीटिकल साइंस की PGT दियां मैं अलग तो वीडियो दिता है उसको देख सकते हो। सो तुहाडा कॉम्बीनेशन बनता है मेजर पोलीटिकल साइंस ते पंजाबी, दूसरा फिजिकल एजुकेशन ते पंजाबी, जे पंजाबी ते चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाते हो तो SST पंजाबी नाल बनता है। अच्छा तुसी दस्या है कि MA पोलिटिकल साइंस कीती है, प्लीज़ मैनू दस दो कि मेरा BEd च मेजर सब्जेक्ट की होएगा। राजे एक गल है गुरु नानक च ही रहना है तो पोलिटिकल साइंस नू 100% प्रैफर करना, कारण यह है कि तुहाडी एलिजिबिलिटी PGT दी पोलिटिकल साइंस की बन रही है, सो इस नूं प्रैफर करना, दूसरे नंबर पर फिजिकल एजुकेशन नूं रख लेना, बाद विच तुसी SST दा अडिशनल पेपर दे सकते हो। पहला BA दा तुहानूं हिस्टरी दा देना पएगा, मैं कह दिया पहला BA हिस्टरी दिओ और उस तो बाद तुसी SST दा BEd दा अडिशनल पेपर दिओ, इस तो इलावा जां फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो शिफ्ट करके पटियाला साडी यूनिवर्सिटी जां पंजाब यूनिवर्सिटी च आ सकते हो। ये SST नाल संबंधित है, मेरा भी मैसेज किया पर कोई रिप्लाई नहीं रहा, जे इन्ने ज़्यादा मेको हो ने मैं रोज़ दियाँ इन वीडियो बनिया पईयां अपलोड करने लिए भी टाइम नहीं लगता, मैं रियली माफ़ी मंगता हाँ, पर मैं हूँ क्लब इसे लिए वीडियो कट्ठियां पान लगा हाँ कि सर मैं हिस्ट्री PUP शाबाश इन्होंने वो दस्या है, मैं हिस्ट्री PUP और पोलिटिकल साइंस नाल ग्रेजुएशन की है ना, दो है तो SST बनता है। सर मैं आगे चल के पॉलिटिकल साइंस PhD करना चाहती हूँ, ओके
ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਓਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੀਜੀਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ SST ਹੀ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ SST ਦੀਆਂ 600 700 800 900 ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PhD ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ PGT ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ SST ਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ MA ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ BEd ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ MA ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਗਨੋ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ SST ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ MA ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ SST ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ SST ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਹਿੰਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਮੇ MA ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਕੀ ਹੈ ਓਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਆਪਕਾ ਇਹ ਰਹਾ ਇਲੈਕਟਿਵ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੀ ਆਪਕਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਪਕਾ 100% SST ਮੇਜਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਈਨਰ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਹੀਂ ਔਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੈਸਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਕਿਆ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ SST ਜੀ SST ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜਰ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਮੈਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਤਾ ਦਿਓ ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ 3 ਈਅਰ ਪਾਰਾ ਹੈ ਓਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਨਰਸ ਹੈ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਸਰ ਮੇਰਾ ਮੇਜਰ ਔਰ ਮਾਈਨਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ GNDU ਮੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਆਪਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੇ ਬੇਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਨਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1-2-4 ਕਾਲਜਿਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਕੋ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਅਗਰ ਇਸਕੋ ਮੇਜਰ ਫਿਲ ਕਰਤੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਦੁਸਮੇ ਜਾਤੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਗਰ 3 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਅਗਰ 3 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਨਕੋ ਮੇਜਰ ਲਓ ਅਗਰ ਆਪ SST ਕੇ ਲੀਏ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਜੋਬ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਆਪਕੋ ਅਭੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਅਭੀ ਆਪਕੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਂ ਹੈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਂ ਜਾਤੇ ਹੋ BEd ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਬ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ SST ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ SST ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਕੋ ਏਕ ਹਿਸਟਰੀ ਜੈਸੇ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਆਪਕਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੇਸ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਕੀ ਪੋਸਟ ਕਮ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸਾਥ ਮੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੀ ਮਾਈਨਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਛੋੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜਰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨਰ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮੇਜਰ ਔਰ ਮਾਈਨਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਆ ਬਣੇ GNDU ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਆਪ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਅਗਰ ਮੇਜਰ ਲੈਤੇ ਹੋ ਤਾਂ 3 ਈਅਰ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ ਆਪ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਗਰ ਲੈਤੇ ਹੋ ਤਾਂ MA ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੋ ਤਾਂ PGT ਕੇ ਲੀਏ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੋ TGT ਕੇ ਲੀਏ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਅਗਰ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੋ ਤਾਂ PGT ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਔਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹ ਰਹੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੇਂ ਸਾਇੰਸ ਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਬ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਕੋ ਆਨਸਰ ਦੂੰਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ